8,200 रुपए से मोनोकिनी खरीदा। सरप्राइज देने में यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स हायर। फूड इज हियर, वी हैव टू टाइप ऑफ स्टेक्स एंड सैलेड। आज सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था तो विवेक ने बोला साइड में एक क्रोकोडाइल बार है, वी कैन गो देयर एंड हैव आवर लंच, उसके बाद वी विल प्लान आवर डे एंड ही प्लान द सरप्राइज। हियर इज आवर डेजर्ट। थाईलैंड में डेजर्ट में फ्रूट देते हैं, वी हैव पाइनएप्पल, पपाया, ड्रैगन फ्रूट, वाटरमेलन, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज दिस, दिस इज मस्क मेलन, यस। कम टू द मार्केट, मुझे कुछ ड्रेस खरीदना था एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई सम स्विम वेयर्स, तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स दिख रहा है। ओ वाह, नाइस, आओ, सो नाइस। केम टू द शॉप, दे हैव गॉट सम अमेजिंग कलेक्शन। यहाँ पे ऐसे बिकनीज में दे हैव गॉट दिस एम्बेलिश्ड bikinis, some pretty monokinis. I've got my piece and abhi hum na kuch aise street mein dekhenge. Mujhe aur bhi kuch kuch khareedne ka mann kar raha hai. I'm saving myself for Bangkok. But yahan pe itna acha lag gaya tha and mujhe pehna bhi tha yahan beach mein, so we have got one. Which I'll look for some other jewelries if I want to buy something. Aise chalte chalte kuch dekh gaya to dekh gaya. बहुत सारे इंडियंस हैं, बहुत सारे कपल, फैमिली, बूढ़े, सारे टाइप के लोग दिख रहे हैं, इंडियन एंड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, नया माहौल। अभी भी मैंने 8,200 रुपए से एक मोनोकिनी खरीदा, बट इट्स सो प्रिटी, मैं आपको दिखाऊंगी, इट इज सो प्रिटी, श्योर इट इज। इसमें डालो अपने पर्स में। थैंक यू। नो बीच और टुडे स्पॉट खाया या खाने की छोड़ इसे भी फेंक दीजिए, बट इट्स गुड या इट्स नॉट, इट्स नॉट। आज सुबह से मेरा तबीयत बहुत डाउन था, कोल्ड कप हो रहा था, फीवर हो रहा था, मुझे लगा मैं आ ही नहीं पाऊँगी, लेकिन मुझे ये मिस नहीं करना था। ऑल डे टूर आइलैंड्स का था, काफ़ी मतलब 4 आइलैंड्स का ये टूर करवाने वाले हैं। हमने लीडर अंडमान फुकेट से बुकिंग किया, कल रात को इनका रिस्पांस देखकर मुझे लगा हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉल करके हमने बुक किया बट वॉजेंट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। लेकिन उन्हें बस इतना बताया कि सुबह 8 बजे हम आ जाएंगे पिकअप करने होटल में, एंड दे वर सरप्राइजिंगली देयर। तो पिकअप वगैरह किया, हम यहाँ आए और इन्होंने कुछ अपना बताया क्या है। फिर इनका ना 4 स्पॉट्स है, कैकिंग होगा पहले 2 में, तो फर्स्ट में ये केव से हम जा रहे हैं, बहुत ही डार्क था, वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन मज़ा आया काफ़ी। उसके बाद ना हम बाहर निकल के अपने अपने बोट पर आ गए। ये हम आ गए हैं अपने सेकंड स्पॉट पे, यहाँ पे भी लोग कायाकिंग करके जा रहे हैं, अभी हमारा टर्न आएगा। यहाँ पे मैं मतलब हम तो ऑफ सीज़न में आए हैं, पता नहीं जब सीज़न होता होगा कितना भीड़ होता होगा, बट एनीवेज यहाँ पे लेकर आए हैं एंड यहाँ से हमें दिखेगा हार्ट शेप आसमान की तरफ जब देखोगे आप। हार्ट शेप, ये आ गए हम अपने 3rd स्पॉट पे। दिस इज़ द जेम्स बॉन्ड आइलैंड। जो पत्थर दिख रहा है ना, यही यहाँ का फेमस एकदम स्पॉट है टूरिस्टी, क्योंकि यहाँ पे जेम्स बॉन्ड मूवी जो है ना वो शूट हुआ था।
यहाँ पे लोग तो समंदर में भी उतर रहे हैं, बट मेरा बिल्कुल ताकत नहीं हुआ कि मैं समंदर में उतरूँ। इसके बाद हम एक फोर्थ लोकेशन पे भी गए जहाँ पे मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन वहाँ पे हम स्विम कर सकते हैं एंड हमें लंच भी प्रोवाइड करते हैं क्रूज में ही। आज ऑल डे टूर करके आके हम अभी जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। थोड़ा हम देख रहे थे थाई मसाज भी अगर हम करवा पाए, तो अभी जस्ट हमें निकलना ही है। आज बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं और सुबह मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसीलिए ना मैं बिल्कुल कैमरे पे आके कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई वॉज सो सिक। जो थोड़ा बहुत एनर्जी बचा था मेरे अंदर, आई वॉन्टेड टू पुट इट इन द एक्टिविटीज़ वी डू देयर एंड मोमेंट एन्जॉय करने के लिए, तो इसलिए मैं अपने आप को ज़्यादा फोर्स भी नहीं की। और अभी जा रहे हैं हम बाहर डिनर के लिए। हमने कैब बुक करवाया और यहाँ पर ना हमने बोल्ट ऐप है तो उससे कर रहे हैं। टुडेज डे 4 ऑफ आर हनीमून। बीच में दो तीन दिन बहुत ही चिल्ड एंड रिलैक्स्ड था। थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जितना मेरा मन कर रहा है, बिकॉज दिस इज द टाइम टू एंजॉय एंड हैव फन एंड लिव द मोमेंट, तो मैं वही करना चाहती थी। तो अभी हम जा रहे हैं पीपी आइलैंड, ये हमारा क्रूज है इसके थ्रू। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है, तो मैं सोची मैं आपको वही दिखाती हूँ। यहाँ पे स्पीड बोट्स भी हैं। नीचे चले। वाओ, कितना ऊपर तक पानी आ रहा है। वाओ, हम जेट्टी में आ गए और यहाँ आते साथ ना यू विल हैव टू पे 20 बाट बीपी आइलैंड में, ताकि सब ये मेंटेन कर पाए क्लीनलीनेस वगैरह। हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पीपी आइलैंड। बहुत सुना है इसके बारे में, तो आज हमें पूरा एक्सप्लोर करना है। बाय द वे, दिस आइलैंड इज़ नो व्हीकल आइलैंड, तो यहाँ पे जो है ना होटल से ही हमें आए हैं रिसीव करने। तो ये जो आपको ठेला गाड़ी दिख रहा है, इसी में ये सामान लेकर जाएंगे हमारा। और यहाँ से ही जेटी है और यहाँ पे सारे शॉप्स है, आते साथ खाने पीने का भी बहुत सारा ऑप्शंस है। तो अभी हम चल चल के जा रहे हैं अपने जो हमारे लिए जो आए हैं होटल से। हमें वीज़ा में रुके हैं तो वहीं से ये बंदा आया है, तो इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ पीवी आइलैंड। आज रात के लिए हम पैड थाई नूडल्स और ग्लास नूडल्स पार्सल ले रहे हैं। ये हमारा सुंदर सा स्टे एट पीपी आइलैंड। और अभी ना हम जा रहे हैं बीच के पास थोड़ा टहलने और नहाने बीच में। Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we
for the run. The river's gonna cry when you're gone. गाइज हम क्राबी आ गए हैं और यहाँ देखो कोई भी नहीं, इतना सुनसान है। हमारे साथ भी बहुत कम लोग आए थे एंड वो हमारी टैक्सी ड्राइवर यहाँ, एंड ये है क्राबी का एयरपोर्ट। जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकले ही है एंड यहाँ पे इतना सारा गाड़ी है, क्रिकेट हॉर्न का आवाज़ ही नहीं है यहाँ पे, कहीं भी लोग हॉर्न नहीं मारते हैं। Hi guys, I have totally lost the track कि मैं कौन सा दिन का रिकॉर्ड कर रही थी एंड ये कौन सा डे है। I think this should be the 6th or 7th day, I'm not sure. But आज हम हैं बैंकॉक में और मैं पूरा तरीका से एकदम टैन हो चुकी हूँ, पूरा जितना सन बेथिंग था मैंने पूरा कर लिया आइलैंड्स पे। नाउ इट्स टाइम फॉर दिस सिटी और हम यही एक्सप्लोर करेंगे। मेरा फेस इतना ज़्यादा पफी हो गया है और इतना टैन भी हो गया है, आई कैंट रिकोगनाइज माई सेल्फ। और हम ना बैंकॉक में खाओसान रोड पे रुके हैं, यहाँ पे ही ये होटल है एकदम प्रॉपर ये स्ट्रीट पे ही, तो ये रात को एकदम पार्टी एरिया बन जाता है, यहीं पे हम रुके हैं। एंड कल रात को जब आए थे हम पहुँचे अराउंड 2 या 2:30 बजे, आई डोंट रिमेम्बर, बट इतना ज़्यादा यहाँ पे लाउड म्यूज़िक और भीड़ चल रहा था, लेकिन नथिंग कुड बॉदर अस, हम मस्त फैल के सो गए, रूम तक भी एकदम आवाज़ आ रहा था। अभी हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने और आसपास का एरिया देखने के लिए। ओह गॉड इट्स सो हॉट। जाने से पहले हम थोड़ी देर हम अपने होटल के टेरेस पे आए, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये यहाँ पे ना, ये बैंकॉक में ऑलमोस्ट हर घर के सामने ऐसा कुछ कुछ दिखता है जो यहाँ पूजा वगैरह करते हैं शायद ये लोग, और ये इनका टेरेस और यहाँ पे पूल भी है। ये है पूरा बैंकॉक सिटी एरिया, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारे टेरेस से दिख रहा है। हर तरफ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, सुंदर लग रहा है ये पेड़। यहाँ पे मेरे फेस कितना बेटर लग रहा है, रूम के अंदर एक्स्ट्रा शाइन हो रहा था और खा के फूलती जा रही हूँ मैं बस, लेकिन हमें खाना नहीं, हम करना क्या, तो खाने ही आए हैं। ये देख के तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो रहा था। फाइनली YouTube वीडियो से बाहर निकल के हम आ गए हैं फ्लोटिंग मार्केट, जो इतना सारा वीडियो देखती थी मैं, ओ भाई। तो अभी हम करने वाले हैं बोट राइड ये कनाल पे, तो चलो चलते हैं। मैं तो विवेक के लिए वेट कर रही हूँ, यो वो कुछ खाना लाने गया है, अब मुझे बहुत भूख लग गया। मैं पहले ही जाके सामने सीट पे बैठ गई। ओ भाई ये बोट तो धीरे धीरे एकदम स्पीड पकड़ रहा है, फुल स्पीड पे जा रहा है ये बोट। और साइड के आसपास के घर देखो, यहाँ पे ना हर घर पे गाड़ी का पार्किंग हो ना हो, मुझे बोट का पार्किंग ज़रूर दिख रहा है। कितना तो मज़ा आ रहा है, इट्स सो मच फन। हाँ यहाँ जाना है। मतलब जो ऑर्किड फार्म है वो अच्छे देखते बच्चो, हम लोग जो बात खाई क्या बेबी, हाँ खोल के देख।
खुला हुआ पूरा खुला कोई कार्टून के शहर में आ गए हम डोरेमोन तो अभी हम आए हैं फ्लोटिंग मार्केट से यहाँ हस्की कैफे यहाँ पे काफी सारे डॉग्स हैं लाइक 36 डॉग्स